फरीदाबाद जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए मुहिम तेज है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बाल आयोग के दिशा निर्देश पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 23 ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया है जो कंपनियों और संस्थानों के अलावा रेहड़ियों और ढाबों पर काम कर रहे थे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय सतर्कता जनशक्ति वाहिनी एनजीओ के साथ मिलकर जिले की टास्क काम कर रही है, जिसमें लेबर विभाग के अधिकारी और पुलिस भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के माँ बाप को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें हिदायत देकर बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि फिर से बच्चों से बाल श्रम न करवाया जा सके। आज जो अभियान चल रहा है ये NCPCR राष्ट्रीय बाल आयोग जो हमारा है उसका दिशा निर्देश पे चल रहा है, और ये NGO है राष्ट्रीय सतर्कता जनशक्ति वाहिनी, उसके साथ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीम है जिसमें हमारे जो है NGO चाइल्ड लाइन है, हमारे DCPO स्टाफ है, लेबर इंस्पेक्टर है, ASTU वाले हैं और लोकल पुलिस भी है, वो सारा एक टीम बनके एक अभियान चला रही है कि फरीदाबाद में बाल श्रम मुक्त हो। पिछले कुछ दिनों में जो है जो बच्चे हैं जो पकड़े गए हैं, मतलब जिनको रिकवर किया गया है, क्या किस इलाकों से और कितने बच्चों को? अभी तक 23 बच्चों को रिकवर किया गया है, रेस्क्यू किया गया है डबुआ से, 24 सेक्टर से, और ये अभियान अभी हमारा चल रहा है, आज भी हमारा अभियान चल रहा है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं जो जगह जगह कंपनियों में काम कर रहे थे, किसी संस्था में काम कर रहे थे, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ज्यादातर बच्चे कहाँ पर जो ऐसे सामने आते हैं जो लेबर वर्क करते हैं? ज्यादातर बच्चे छोटी जो वर्कशॉप्स हैं उनमें, या छोटे जो ढाबे हैं, या ये रेहड़ी है, इन पे ही नजर आते हैं। जब इन बच्चों को रिकवर किया जाता है उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? उसके बाद इनका मेडिकल कराया जाता है, फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इनके जो बैक वेजेस के लिए लेबर इंस्पेक्टर को दिशा निर्देश करते हैं, और जो FIR के लिए पुलिस को निर्देश करते हैं। बात करें जब इन बच्चों को रिकवर किया जाता है तो उसके बाद इन बच्चों को कहाँ भेजा जाता है? बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको हैंडओवर कर देते हैं। आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 23 बच्चों का रेस्क्यू किया है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग का ये अभियान 28 जून तक लगातार चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।